कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में बाज़ मुकामात पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई, जिसके बाद शाहरा फैसल पर फिसलन से कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मशरक से हल्की हवाएं चल रही हैं, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला कभी मुकम्मल और कभी जुजवी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 24 घंटे के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 15 से 16 डिग्री रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कहीं कहीं हल्की धुंध है और हद निगाह 2 किलोमीटर है, जबकि हवा में नमी का तनासब 95% है। तहरीक अदम एतमाद आएगी और माहौल जल्द तब्दील होगा। शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि नामनिहाद एहतसाब के नाम पर केस को 4th साल है। हम 4 साल से केस भुगत रहे हैं और जज भी परेशान हैं। हम तो हर पेशी पर आते हैं और कहते हैं कैमरे लगाएं। लीगी रहनुमा ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है और नंबर पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तहरीक अदम एतमाद आएगी। तहरीक अदम एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, ये तब लाई जाती है जब नंबर गेम मुकम्मल हो। इंशाल्लाह जल्द माहौल तब्दील होगा। इनका कहना था कि कौन सा महकमा नहीं जिसमें करप्शन नहीं हो। अद्वियात स्कैंडल, चीनी, गंदम समेत दर्जनों स्कैंडल्स हैं जो लोग अरबों रुपए खा गए, इनसे हिसाब भी होगा। ओपोजिशन को जल्द यकीन आ जाएगा कि पाकिस्तान जरदारी और शरीफों से आगे निकल चुका है। फवाद चौधरी ने कहा है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो इमरान खान वजीर आजम हाउस में तो नहीं बैठे रहेंगे। ओपोजिशन को जल्द यकीन आ जाएगा कि पाकिस्तान जरदारी और शरीफों से आगे निकल चुका है। दूसरी जानी पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हरीफ सियासी जमातें हैं, हमें इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ना है। ताहम दोनों जमातों हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हुई हैं। इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब का पेट फाड़ने वाली बात 10-12 साल पहले की थी। इन्होंने कहा है कि इमरान खान भी तो काफ लीग, MQM और शेख रशीद के बारे में क्या क्या कहते थे, आज ये सब भी तो साथ ही हैं। ₹63% पाकिस्तानी एहसास राशन प्रोग्राम से ही ला इल्म निकले। प्लस कंसल्टेंट्स ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया, जिसमें 42% पाकिस्तानी आवाम हुकूमत के एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम से नाखुश नजर आती। अलबत्ता 24% इस इकदाम को अच्छा समझते हैं। सर्वे में पाकिस्तान की 63% आवाम ने एहसास राशन प्रोग्राम से ला इल्मी का इजहार किया। दूसरी जानब 70% पाकिस्तानी हुकूमती इदारे नेशनल एंड कमांड ऑपरेशन सेंटर के बारे में कुछ नहीं जानते। अलबत्ता जो अफराद NCOC के बारे में जानते हैं, इनमें से 72% इदारे के इकदाम को अच्छा कहते हैं, जबकि 4% इदारे के इकदाम ही मनफी पर राय रखते हैं।